Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today here in this video, we will start our new topic that is syntax, या जिसे हम वाक्य विन्यास कहते हैं. आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. Now, before starting this topic, let us just recall जो हमने अभी तक previous video में पढ़ा था. कल हमने ये universal grammar यानी सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने क्या समझा था कि नोआम चॉम्स्की ने जो अपनी थ्योरी दी है रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, कि हर एक व्यक्ति में बाय बर्थ देर आर इनेट एबिलिटीज़ जिनको जिनकी हेल्प से वो लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीख सकता है, ठीक है, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट मच इन्फ्लुएंशियल या आर नॉट मच सफिशेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, ठीक है. इस तरह की कुछ चीज़ें हमने कल समझी थी, पढ़ी थी. अब आज हम सिंटेक्स के बारे में या वाक्य विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिकली हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा. ओके, तो वाक्य विन्यास या जो सिंटेक्स है, इट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिंटैक्सिस, ठीक है. सिंटैक्सिस से लिया गया ये वर्ड है, जो कि ग्रीक वर्ड है. और सिंटेक्स का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं सिंटेक्स में, ठीक है. नाउ लेट अस जस्ट गो थ्रू विद फ्यू थिंग्स. अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसको समझना. सी, इन सेंटेक्स वी टेंड टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस. किसी भी वाक्य का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो हम सिंटेक्स में समझते हैं. ओके, जैसे आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो, तो जब भी आप कोई सेंटेंस लिखने बैठते हो, तो आप उसको एक तरीके से लिखते हो. आप हर वर्ड को एक सही ऑर्डर में लिखते हो, तो आपको कैसे पता चलता है, ठीक है. या जब सेंटेंस आप गलत लिखते हो, तो आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर की नॉलेज होती है. आपको पता है कब आपको नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कब कैसे यूज़ करना है. यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम किस टेंस का यूज़ करेंगे, राइट. तो ये सब हमें सेंटेंस के थ्रू पता चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ आई गिव यू टू सेंटेंसेस, इन द फर्स्ट सेंटेंस इफ आई से दैट एलन इज़ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक, एलन इज़ ड्रिंकिंग वाटर. नाउ दिस सेंटेंस विल साउंड करेक्ट. ये लिखोगे भी तो भी सही है, बोलोगे तो भी करेक्ट है, ठीक. अगर अब मैं बोलूँ कि ड्रिंकिंग इज़ वाटर एलन, सो इज़ दिस सेंटेंस करेक्ट? डू यू फाइंड इट करेक्ट? और विल यू राइट इट तब ये सही होगा? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं रखे गए हैं, राइट. देखिए, जब आप सेंटेंस की डेफिनेशन आपने जब पढ़ी होगी, या जब सेंटेंस को मीनिंग अलग से समझी होगी, तो सेंटेंस में भी क्या कहा गया है कि सेंटेंस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कम्प्लीट सेंस. यानी वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का समूह. वो समूह जो एक आपको कुछ मीनिंग दे, जिसका कुछ अर्थ निकल के आए जब आप उन्हें रखो. तो जब मैंने पहला सेंटेंस बोला दैट एलन इज़ ड्रिंकिंग वाटर, उस चीज़ का कुछ मतलब निकल के आ रहा था, हमें समझ में आ रहा था कि एलन पानी पी रही है. बट व्हेन आई जम्बल्ड द वर्ड्स, तब उसका कुछ मतलब नहीं निकल के आया. क्यों? बिकॉज द वर्ड्स वर नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे. सो द स्ट्रक्चर, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, दैट हाउ अ सेंटेंस हैज़ टू बी फॉर्म्ड, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए एक सेंटेंस हम बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम सिंटेक्स में समझते हैं, ठीक है. अब यहाँ आपकी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसको हम देखेंगे. पहला यहाँ लिखा है कि सिंटेक्स एग्जामिन्स हाउ वर्ड्स आर कम्बाइंड टू फॉर्म लार्जर ग्रामेटिकल यूनिट्स सच एज फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस. बेसिकली सिंटेक्स जो है, उसमें हम इस तरीके से वर्ड्स को स्टडी करते हैं, वर्ड्स के ऑर्डर को हम अरेंज करना सीखते हैं, जहाँ पर वी कैन फॉर्म क्लॉजेज एंड फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस, ठीक. फिर आपका सेकेंड जो यहाँ पे है कि बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट इनेबल स्पीकर्स टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोड्यूस सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स. यानी सिंटेक्स के थ्रू हम रूल्स और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझ पाते हैं, ठीक है. क्योंकि सेंटेंस हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो सामने वाले को समझ में भी तो आना चाहिए, ठीक है. सो व्हाट आर दोज बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करके द स्पीकर्स कैन रिकॉग्नाइज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, वो भी हम सिंटेक्स में समझते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ नेक्स्ट. सिंटेक्स इज़ द कंपोनेंट विच स्टडीज
the system of rules and categories that underlie sentence formation in human language. Now syntax kya hai? Ye एक स्टडी है, स्टडी रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ रूल्स एंड कैटेगरीज. हर एक सेंटेंस को लिखने के लिए जो भी हम रूल्स फॉलो करते हैं या जो भी कैटेगरीज होती हैं सेंटेंस की, कि हम किस तरीके से किस टाइप को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस फॉर्म करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो सिंटेक्स. अब कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपने सेंटेंस में पढ़ा होगा दैट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, एसर्ट करते हैं, यानी जब हम सिंपली कोई चीज़ बताते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से दैट आई लाइक ईटिंग ग्रेप्स, तो यहाँ पे कुछ मैंने ना कोई क्वेश्चन पूछा है, ना मैंने कुछ यू नो सडन इमोशन कुछ एक्सप्रेस करा है, नथिंग. आई जस्ट सिंपली डिक्लेयर्ड और एसर्टेड द फैक्ट दैट आई लाइक ईटिंग ग्रेप्स. ठीक, एक डिक्लेरेटिव और एसर्टिव sentences simply provide you information, basic information regarding something. They do not ask any question or request or order anything, nothing. They are simple sentences. फिर आपका है interrogative sentences, जहाँ पे हम question पूछते हैं. The sentences which are formed in question, जो question type में हम sentences पूछते हैं. For example, if I say what is your name, where are you going, where do you live, what are you studying today. So all these sentences tend to ask some question. और ये जो sentences होते हैं they always end with question mark. So these are the interrogative sentences. फिर आते हैं आपके exclamatory sentences, जहाँ पर आप एक sudden emotion या sudden feeling express करते हो. For example, when you win some match, तो what do you say? That hooray, we win the match. या फिर for example, you are going somewhere and you fall suddenly. So like what do you say? That ouch, I hurt myself. तो ये जो sudden reaction था ना आपका, इसी को हम exclamatory sentence कहते हैं. और exclamatory sentences में हमें हमेशा exclamation mark मिलता है. That expresses our sudden emotion. Then we have the imperative sentences. Now, when you order something, when you command, okay, when you request something, ठीक है, जहाँ पर हम किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में ऑर्डर कर रहे हैं कुछ, कमांड कर रहे हैं कुछ, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज़ ब्रिंग मी, और प्लीज़, व्हेन आई से प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग, सो दैट इज़ अ रिक्वेस्ट. ओके, इफ़ आई से गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ कमांड और इट्स एन ऑर्डर. ठीक है, सो जहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, या वार्निंग भी दे रहे हो, ठीक है, या एडवाइस दे रहे हो, ये सब आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे. तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेंटेंस के टाइप पे भी डिपेंड करता है. द रीज़न व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डोंट थिंक कि यू नो मैम इज़ मिक्सिंग द टॉपिक्स. द थिंग इज़ कि हम यहाँ पे सेंटेंस में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिसके लिए आपको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए. दैट इज़ व्हाई एम टेलिंग यू द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेंटेंसेस. किसी भी वाक्य का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो उसके टाइप पे, उसके प्रकार पे भी डिपेंड करेगा. ओके, सो दैट इज़ वॉट हैज़ बीन टोल्ड ओवर हियर. फिर है हमारे पास कि सिंटैक्स इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट सीक्स टू डिस्क्राइब द रूल्स विच इनेबल अस टू रिकॉग्नाइज एंड जेनरेट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ सच यूनिट्स फ्रॉम अ लिमिटेड सेट ऑफ मीन्स. नाउ लेट्स मी सिंप्लीफाई यू दिस पैराग्राफ कि सिंटैक्स जो है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यानी वो एक लैंग्वेज की ब्रांच है. इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का ही एक पार्ट है सिंटैक्स. ठीक है, जहाँ पर हमें भाषा से रिलेटेड जो रूल्स हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड जो रूल्स हैं, वो हमें समझाए जाते हैं, हमें पता चलते हैं, ताकि हम जो हैं सेंटेंसेस फॉर्म कर सकें. ओके, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि व्हाट द सिंटैक्स रूल्स डू. सिंटैक्स के जो रूल्स होते हैं उनको जब हम फॉलो करते हैं तो वो हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं. ओके, नाउ लेट अस गो थ्रू विद दीज थिंग्स. द रूल्स ऑफ सिंटैक्स कंबाइन वर्ड्स इंटू फ्रेजेस एंड फ्रेजेस इंटू सेंटेंसेस. जो सिंटैक्स के रूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो वर्ड्स को फ्रेजेस में और फ्रेजेस को सेंटेंसेस में कंबाइन करते हैं. ओके, द रूल्स डिटरमाइन द करेक्ट वर्ड ऑर्डर फॉर अ लैंग्वेज. हर एक भाषा का अपना एक पैटर्न होता है,
एक वर्ड ऑर्डर होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। द वर्ड ऑर्डर डिटरमाइंस द करेक्टनेस और द एक्यूरेटनेस ऑफ आर सेंटेंस। आप शब्दों को किस तरीके से रखोगे वो हमारे सेंटेंस के सही या गलत उसको साबित करता है, ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनमें वो रूल्स सेट करते हैं कि हम उन वर्ड का जो ऑर्डर है उस सेंटेंस में, हम शब्दों का जो ऑर्डर है उसे कैसे रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का रूल हम फॉलो करते हैं। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, सब्जेक्ट वर्ब और ऑर्डर। अब हिंदी और इंग्लिश दो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, इन दोनों के मैं आपको दो अलग अलग एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं एक सेंटेंस कि ही किल्ड अ स्नेक। नाउ वेरी केयरफुली और ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर। ही हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड हमारा वर्ब है एंड स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का हमने ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे फॉलो करा, ठीक है। अब इसी सेम वाक्य को, इसी सेम सेंटेंस को जब हम हिंदी में रखेंगे और हमने बोला कि उसने सांप को मारा, सेम सेंटेंस है, सेम मीनिंग है, उसने सांप को मारा, तो उसने इस सब्जेक्ट, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, सांप वो अब हमारा ये ऑब्जेक्ट है और मारा विल बी आर वर्ब। तो इंग्लिश में जहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का इक्वेशन फॉलो कर रहे थे, हिंदी में वही सेंटेंस है, वही मीनिंग है, बट ऑब्जेक्ट और वर्ब की जगह जो है वो इंटरचेंज हो गई, ठीक है। इंग्लिश में वर्ब पहले आया, ऑब्जेक्ट बाद में आया, हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले आया, वर्ब बाद में आया। तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, रूल्स होते हैं जो उस वर्ड ऑर्डर को डिटरमाइन करें कि आप कैसे अपने शब्दों को लिखोगे, ठीक है। देन द इंग्लिश सेंटेंस इन, अब यहाँ पे जो नीचे दो एग्जांपल्स दे रखे हैं, द फर्स्ट सेंटेंस इज ग्रामेटिकल बिकॉज द वर्ड्स अकर इन द राइट ऑर्डर एंड सेंटेंस नंबर टू इज अनग्रामेटिकल बिकॉज द वर्ड ऑर्डर इज इनकरेक्ट। नाउ लेट मी जूम इट फॉर यू। ओके, नाउ ऑन योर स्क्रीन्स देर आर टू सेंटेंसेज गिवन। द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड अ न्यू सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। ओके, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस एंड द सेकेंड सेंटेंस इज प्रेसिडेंट द सुप्रीम न्यू जस्टिस कोर्ट अ नॉमिनेटेड। ओके, अब ये दो जो सेंटेंसेज हैं, ये दोनों ही सेंटेंस में एक सेंटेंस करेक्ट है और एक सेंटेंस गलत है, एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी विच सेंटेंस इज करेक्ट एंड विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट, राइट। पहला जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि वहाँ पे वर्ड्स को सही ऑर्डर में रखा गया है, एंड व्हेन यू पुट दोज वर्ड्स इन अ करेक्ट ऑर्डर दे आर गिविंग सम मीनिंग, उनका कुछ मतलब निकल के आ रहा है ना। सेकेंड सेंटेंस में ऐसा नहीं है, सेकेंड सेंटेंस में भी वर्ड्स रखे गए हैं बट उन वर्ड्स का ऑर्डर करेक्ट नहीं है जिसकी वजह से उनकी मीनिंग भी करेक्ट तरीके से निकल के नहीं आ रही है, ठीक है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड अ न्यू सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करेक्ट है, फिर प्रेसिडेंट द सुप्रीम न्यू कोर्ट न्यू जस्टिस कोर्ट अ नॉमिनेटेड, द सेंटेंस इज रॉन्ग। जो अभी हमने लाइक शुरुआत में मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि एलन इज ड्रिंकिंग वाटर या वाटर इज ड्रिंकिंग एलन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, सेम चीज़ थी, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे भी दिया गया है आपको, ठीक है, कि वर्ड्स का ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर डिटरमाइन करता है आपके सेंटेंस की करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस को, ठीक है। और सिंटेक्स हमें हेल्प करता है सही से शब्दों को उनकी सही जगह पे पुट करने में। ओके, फिर अब नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द सिंटेक्स इज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड द अरेंजमेंट। नाउ जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक वर्ड अलग अलग चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है। तो सेकेंड रोल जो है सिंटेक्स का वो होता है कि जो वर्ड्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप बताना या सेंटेंस में किसका किससे क्या रिलेशनशिप है उसे क्लियर करना सिंटेक्स का काम है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, दो एग्जांपल अगेन दे रखे हैं कि आई मीन व्हाट आई से व्हाट आई मीन। दोनों ही सेंटेंस में यहाँ पे जिस पर्सन को रेफ़र करा जा रहा है वो है आई, यानी अगर मैं बोलूँ कि आई मीन व्हाट आई से, मैं जो कहती हूँ मैं उसको मानती हूँ, या आई से व्हाट आई मीन, या मैं वो कहती हूँ जो मैं मानती हूँ, तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। ओके, सो हेयर द सेंटेंस रिफर्स टू मी, यहाँ पे सेंटेंस जो है वो मेरे बारे में बता रहा है, सीख, ठीक है। तो वहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन व्हाट हैज़ बीन सेड एंड हुम हैज़ सेड, किसने कहा है और क्या कहा है, उसके बीच का जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है।
तो सिंटेक्स का पहला रूल है टू यू नो टू मेक अंडरस्टैंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स का सही ऑर्डर सिंटेक्स के थ्रू हमें फाइंड आउट हो पाता है. और सेकेंड है टू फाइंड आउट और टू स्टैब्लिश करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड द अरेंजमेंट. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट्स नेक्स्ट इज देयर. नेक्स्ट थिंग इज कि द रूल ऑफ द सेंटेक्स ऑल्सो स्पेसिफाई द ग्रामेटिकल रिलेशंस ऑफ अ सेंटेंस सच एट सब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है वो भी हमें पता चलता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि बेसिकली सेंटेक्स ऑल्सो हेल्प्स अस टू नो अबाउट हु इज डूइंग वॉट टू हूम, कौन क्या किसके साथ क्या कर रहा है, ये भी हमें सेंटेक्स के थ्रू पता चलता है. जैसे अब आप देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं, योर डॉग चेज्ड माय कैट, ठीक. सेकेंड है कि माय कैट चेज्ड योर डॉग. सेंटेंस जो हैं दोनों एग्जाम्पल्स अगर आप देखो वहाँ पे बस कुछ वर्ड्स को चेंज करा गया है, चेंज इन द सेंस कि उनकी प्लेस चेंज करी गई है और सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो गया है. इन द फर्स्ट सेंटेंस योर डॉग चेज्ड माय कैट, यहाँ पे क्या बताया गया है, दैट द डॉग इज चेजिंग द कैट. ओके, बट इन द सेकेंड सेंटेंस क्या बोला गया है कि माय कैट चेज्ड योर डॉग, विच मीन्स कि कैट इज चेजिंग द डॉग, राइट. तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे ये समझना है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन है वो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, कि कौन किस पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, कौन किसे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग टोल्ड बाय सिंटेक्स. नाउ देर आर वेज टू यूज़ सिंटेक्स. अब हम लिटरेचर में किस तरीके से सिंटेक्स का यूज़ करते हैं, आइए उसको देख लेते हैं. ठीक है, अभी हमने लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, तो हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. सी, वी यूज सिंटेक्स टू प्रोड्यूस रेटोरिकल एंड एस्थेटिक इफेक्ट्स. रेटोरिकल और एस्थेटिक इफेक्ट्स का मतलब है कि हम सिंटेक्स का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी बातों को इन्फ्लुएंशली यानी प्रभावी तौर पे लिख सकें, बता सकें, और वी कैन डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, वी कैन अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, जो ब्यूटी है या जो भी एक इन्फ्लुएंशियल सेंटेंसेस का इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट हम डाल सकें, इस तरीके से हमें लिखने में हेल्प करता है कि हम अपने इमोशंस को इस तरीके से वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकें कि उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़े. ओके, सेकेंड इज़ टू कंट्रोल पेस एंड मूड. सिंटेक्स ऑल्सो हेल्प्स अस इन कंट्रोलिंग द टोन, कंट्रोलिंग द होल एटमोसफियर ऑफ योर रिटन टेक्स्ट. जब आप कुछ पढ़ते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा वेन एवर यू रीड सम सॉर्ट ऑफ नॉवल और स्टोरी, तो कहानी में जैसे जैसे इमोशंस चेंज होते हैं, लाइक इफ देयर इज सम हैप्पी सिचुएशन देन सडनली सम डिजास्टर केम और सम ट्रेजेडी अकर्ड और एक यू नो दुख भरा माहौल हो गया, तो आप देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ बेसिकली अ गेम ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे शब्दों का चेंज होना ही आपके इमोशंस को डिटरमाइन कर रहा है उस स्टोरी में. ओके, तो शब्द जो हैं या जो वर्ड्स होते हैं या जो सेंटेक्स है बेसिकली वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करने में हेल्प करता है कि आप जो लिख रहे हो उसके टोन को, उसकी स्पीड, पेस का मतलब यहाँ स्पीड से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, ओके. नाउ फिर वी हैव क्रिएट एटमॉस्फेयर, यानी एक माहौल बनाने में हेल्प करता है. माहौल का मतलब जैसे आप देखिए, अगर आप कोई सस्पेंस नॉवेल पढ़ रहे हो, कोई थ्रिलर नॉवेल पढ़ रहे हो, कोई हॉरर नॉवेल पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, देयर दीज आर द वर्ड्स जिनको सही तरीके से जब यूज़ करा जाता है तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. आप एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जैसे जैसे वहाँ सीन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वर्ड्स आप सेंटेंसेस पढ़ते जाओगे, एक यू नो एक इस तरीके से इम्पैक्ट आप पे पड़े कि वो जो कॉन्सेप्ट वहाँ स्टोरी में लिखा हुआ है वो आपके दिमाग में चले. ठीक है, अगर आप थ्रिलर नॉवेल पढ़ रहे हो, सस्पेंस नॉवेल पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे वर्ड्स को इस तरीके से रखा गया है दैट बाय एवरी पेज यू विल बी मोर क्यूरियस टू नो कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ. सो दिस इज़ व्हाट हाउ यू क्रिएट एटमॉस्फेयर. ठीक है, कि वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करके एक माहौल स्टैब्लिश करना, एक एटमॉस्फेयर जनरेट करना जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होगा ऑडियंस को या फिर रीडर्स के लिए. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ बेसिकली सिंटेक्स. ठीक है, सो दिस वॉज इट इन टूडेज वीडियो, जहाँ पे हमने ये समझा कि सिंटेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है. ओके, ये बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम सिंटेक्स में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम वर्ड्स को उनके सही ऑर्डर में रखते हैं ताकि हम सेंटेंस फॉर्म कर सकें और उसे इन्फ्लुएंशियल बना सकें. देन हमने कुछ सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स के बारे में समझा और वो रूल्स कैसे सेंटेंस में इम्पैक्ट डालते हैं ये हमने देखा. एंड हाउ वी कैन यूज़ द सिंटेक्स इन लिटरेचर, हम क्यों सिंटेक्स लिटरेचर में यूज़ करते हैं वो अभी हमने यहाँ पे समझा. ओके,
So this was it in today's video, and the remaining topic we will discuss in the further video. Okay, thank you, class.